स्टेप फादर और स्टेप डॉटर में अफेयर हो जाता है और उन्होंने डिसाइड किया कि मदर को अपने रास्ते से बाहर निकाल देंगे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ। आज की हमारी मूवी मिनीज फर्स्ट टाइम 2006 की एक डार्क कॉमेडी थ्रिलर हॉलीवुड मूवी आती है। इसकी ट्विस्ट एंडिंग के लिए अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर मिनी को अपने ग्रेजुएशन की स्पीच देता हुआ देख सकते हैं। वो इस ईयर की वैलेडिक्टोरियम बने इसके लिए उसे सब लोगों ने वोट किया था। वो कहती है कि मेरी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए पर इन सब चीज़ों से मैंने एक बात सीखी कि जो चीज़ आप पाना चाहते हो उसके पीछे आपको जाना चाहिए। अब इसके बाद फ्लैशबैक में हमारी मूवी स्टार्ट होती है। आज मिनी का बर्थडे था तो उसकी मदर डायना ने उसके लिए एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखी थी। बर्थडे पार्टी पर उसने एक स्ट्रिपर को भी इन्वाइट किया था। यहाँ पर हम हमारे अलग अलग कैरेक्टर से मिलते हैं। डायना की एक फ्रेंड थी जिसका नाम था जिलेना। जिलेना ने अपने पति से सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। इसके बाद हम उनका एक नेबर देखते हैं जिसका नाम था माइक। माइक का एक टीवी शो था जहाँ पर कपल आते थे और शादी से पहले उन्हें कन्फर्म किया जाता था। मिनी का जब बर्थडे केक आता है तो उसके अंदर से मिनी निकली और वो न्यूड थी। अपनी मदर को एम्बेरस करने के लिए उसने ये सब किया हुआ था। मिनी फिर अपने बारे में बताते हुए कहती है कि मेरी मदर एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। इसके बाद एक प्रोड्यूसर की वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई। उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे उसी वजह से उसने मुझे बर्थ दिया। इन सब बातों की वजह से मिनी अपनी मदर को हेट करती है। वो एक अल्कोहलिक है और मिनी पर कभी भी ध्यान नहीं रखती। मिनी ने आज जो भी किया था इसके लिए डायन से सॉरी कहती है। डायन ने कहा कि आज मुझे पार्टी के लिए बाहर जाना है, मेरी दारू थोड़े टाइम में घर पर आ जाएगी, इसकी डिलीवरी तुम ले लेना। मिनी फिर हमसे कहती है कि डायन ने एक बहुत ही अमीर आदमी से शादी की जो मेरे स्टेप फादर है, इसका नाम है मार्टिन। मिनी कहती है कि मेरे मदर और मार्टिन के बीच में उतने अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, वो कभी भी उन्हें एक साथ नहीं देखती। मिनी को हमेशा अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करना बहुत ही अच्छा लगता है, जो भी नया हो ये उसे करना ही होता है। आज रात वो डिस्कवर करना चाहती थी कि एस्कॉर्ट सर्विस में काम करना कैसा होगा, तो यही करने के लिए वो चली गई। एक दिन फिर उसे एक अपॉइंटमेंट दी जाती है। वो जब होटल पर पहुंची तो दूर से वो देखती है कि उसका क्लाइंट मार्टिन है। इस बात से वो शॉक हो गई थी। वो वॉशरूम में चली गई और उसने वंडर किया कि इस सिचुएशन को फ़ायदा उठा सकती है। वो मार्टिन से बात करने लग गए। उसने कहा कि लाइट बंद कर दो, मैं ज़रा शाय हूँ। लाइट बंद करने के बाद पीछे से वो मार्टिन के पास आती है। उसकी आंखों पर उसने पट्टी बांध दी और इसके बाद वो उसके साथ इंटीमेट हो गए। ये सब करने के बाद मिनी को बहुत ही मज़ा आ रहा था। वो मन ही मन में सोचती है एक दिन मार्टिन को सरप्राइज करेगी, पर तभी पीछे से मार्टिन आ जाता है। मार्टिन ने कहा कि तुम्हारी चाबी पीछे ही छोड़कर आ गई थी। मिनी ने जब उसे अपना चेहरा दिखाया तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था। वो कुछ भी बोल नहीं पाया। घर पर आने के बाद भी वो कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वो मिनी के आसपास भटकने लग गया था। उसे उसके होमवर्क के बारे में पूछता, अलग अलग चीज़ों को लेकर उससे वो बात करता। नेक्स्ट सीन में हम स्कूल में देखते हैं कि मिनी की फ्रेंड को एक लड़का बहुत ही ज़्यादा तंग करता था। मिनी के फ्रेंड से आज भी वो बहुत ही गलत बात कर रहा था। मिनी उसके पास चली जाती है, कहती है अगर तुम्हें इन्हीं सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो अभी के अभी तुम्हारी पैंट निकालो। वो सबके सामने उसकी पैंट निकालने लग गए और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। सबके सामने दुम दबा कर भागा। एक रात जब डायन सोई हुई थी तो मिनी के बेडरूम में मार्टिन आया। मार्टिन ने मिनी से कहा उस रात जो भी हुआ था इसके बारे में मैंने बहुत सोचा, अगर तुम्हारे फादर जिंदा होते तो तुम्हारा वो ख्याल रखते। मिनी पूछती है क्या तुम मेरा ख्याल रखना चाहते हो। इस पर मार्टिन हंसता है। इसके बाद दोनों इंटीमेट हो गए। इनका एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग अफेयर स्टार्ट हो गया था। मिनी कहती है मेरी मदर से बदला लेने के लिए एक बहुत ही अच्छा वे था। एक रात डायन ने मिनी के बेडरूम से आवाज़ सुन ली। मार्टिन ब्लैंकेट में छुप गया। डायन मिनी से कहती है कि मुझे मार्टिन कहीं भी मिल नहीं रहा। उसने ब्लैंकेट को नोटिस किया था तो डायन कहती है तुम्हारे फ्रेंड को तुम पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल देना, मार्टिन को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। बेचारे को कुछ भी पता ही नहीं था। मार्टिन और मिनी इस बात पर बहुत हंसते हैं। आजकल इतना सारा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते थे तो एक दूसरे से वो प्यार करने लग गए। अब 4-5 मंथ गुजर जाते हैं। मार्टिन ने मिनी से बात की, कहा कि अब मैं डायन के साथ नहीं रह सकता, मुझे उसे देखकर भी घिन आती है, हम दोनों को हमेशा एक साथ डर डर कर रहना पड़ता है। मिनी कहती कि मैं भी तुम्हारे साथ बिना रिस्ट्रिक्शन के रहना चाहती हूँ, हमें मेरी मदर को हमारे रास्ते से हटा देना चाहिए। मार्टिन पूछता है कि क्या तुम उसके मर्डर के बारे में बात कर रही हो। मिनी कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं, हम स्लोली स्लोली उसकी दिमागी हालत खराब करेंगे, उसे एक इंस्टीट्यूशन में भेज देंगे जिससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। डिवोर्स में तुम्हें 50% प्रॉपर्टी उसे देनी पड़ती है, ये भी तुम्हारी बच जाएगी। अब इसके बाद अपने प्लान को लेकर ये आगे बढ़ते हैं। मिनी ने अपने स्कूल के फार्मेसी से कुछ मेडिसिन चुरा लिए, ये नींद वगैरह आने के मेडिसिन थे। डायन के लिए मिनी ही हमेशा ड्रिंक बनाती थी तो
तो स्लोली स्लोली उसे गोलियां वो देने लग गए। डायन को भी इस बात का कभी भी शक नहीं गया। एक दो दिनों में डायन का गुस्सा बढ़ने लग गया। उसे मसाज लेने के लिए अर्जेंट जाना था, पर मिनी ने उसकी कीज छुपा दी थी। मिनी और मार्टिन दोनों मिलकर डायन को पागल ठहराने की कोशिश करते हैं। डायन इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। वो मार्टिन की कार लेकर चली गई। मार्टिन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग थी जो कर नहीं पाया। अब जिस अपॉइंटमेंट पर डायन जा रही थी, मिनी कॉल कर उस अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर देती है। डायन जब वहाँ पर पहुंची तो उसकी फ्रेंड मसाज ले रही थी। मस्यूज के साथ वो इंटीमेट भी हो रही थी। इस बात से डायन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उसने कहा कि आज मेरे अपॉइंटमेंट थी, तुम ऐसा कर कैसे सकते हो। जेलेना डायन को समझाने की कोशिश करती है, पर डायन ने जेलेना को इतनी जोर से पंच किया कि उसके हाथ में फ्रैक्चर आ गया था। अब इसके बाद और भी उसे तंग करने के लिए मिनी घर पर कुछ भी ऑर्डर करने लग गए। एक दिन उसने डायन के नाम से बहुत सारे जू एनिमल्स घर पर बुला लिए। डिलीवरी के लिए जब वो आदमी आता है तो डायन ने कहा कि मैंने ये सब ऑर्डर नहीं किया था। उस आदमी ने कहा कि कल शाम तुमने ही तो कॉल किया था, यहाँ पर आज तुम पार्टी करने वाली थी। डायन हर रात ड्रंक होती है, तो मिनी और मार्टिन को यह साबित करना कि ड्रंक होकर उसने ऑर्डर की थी ये कुछ भी बड़ी बात नहीं थी। इस बात को लेकर मार्टिन नाटक करता है कि डायन पर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। अब इसके बाद ऐसी बहुत सारी डिलीवरीज आने लग गई थी। डायन इन सब बातों से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए, और भी ज़्यादा वो ड्रंक रहने लग गई थी। मिनी ने अब और एक प्लान बनाया। एक दिन डायन और उसके सब फ्रेंड्स मिलकर पार्टी कर रहे थे। जाने से पहले डायन के ड्रिंक में उसने और कुछ मिला दिया था, जिससे डायन बहुत ही ज़्यादा बातें करे। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। पार्टी में जो भी लोग थे वो डायन के बारे में बात कर रहे थे कि आजकल वो बहुत ही अजीब सा बर्ताव करती है। जब वो पार्टी में लोगों से बात करती है तो उसे इग्नोर करने लग गए, तो डायन इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए। यहाँ पर वो बहुत ही बड़ा तमाशा खड़ा कर देती है। मार्टिन और मिनी फिर उसे घर पर लेकर गए। एक दिन डायन की फ्रेंड जेलेना ने उसे मिलने के लिए बुलाया। जेलेना कहती है कि मैं तुम्हारी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड हूँ, उस दिन तुमने जो भी देखा वो मेरे हस्बैंड को पता नहीं चलना चाहिए। डायन कहती कि मेरे बारे में भी गलत चीज़ें बताना तुम लोगों को बंद कर दो। इस मीटिंग के बाद डायन जब बाहर निकली तो मिनी आसपास ही थी। मिनी कुछ लड़कों को हायर करती है और उन लड़कों ने डायन को धमकी देना स्टार्ट कर दिया। फ़ोन पर उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे एड्रेस के बारे में पता है, अगर तुम घर पर गई तुम्हें एक डेंजर है। इस बात से डायन बहुत ही ज़्यादा डर गए। जिस तरीके से वो फ़ोन पर बात कर रही थी, इसे मॉल के सिक्योरिटी ऑफिसर को लगता है कि ये लड़की पागल है। उसे जाकर रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो डायन का फिर से एक ब्रेकडाउन हुआ। इसके बाद आज रात मिनी और मार्टिन ये दोनों डिनर के लिए जा रहे थे। उन्होंने डायन से पूछा, पर डायन इसके लिए मना कर दिया। ये दोनों फिर ब्लैक सूट पहन लेते हैं। डायन को फिर से उन लड़कों से धमकी का कॉल आया। तभी मार्टिन और मिनी एक चाकू लेकर उसका पीछा करने लग गए। डायन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। भागकर उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। इसके बाद मिनी और मार्टिन डिनर के लिए चले गए थे। जब वो वापस आए तो डायन ने बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स ले ली थी। उन्हें पहले लगता है कि शायद वो मर गई है, पर अब तक वो जिंदा थी। मार्टिन अब एम्बुलेंस को कॉल करने वाला था, पर मिनी कहती है हमें नहीं करना चाहिए। मार्टिन ने कहा कि हमने तो डिसाइड किया था कि हम इसका मर्डर नहीं करेंगे। मिनी ने कहा कि अगर हमने इसे बचाने की कोशिश की पर फिर भी कभी ना कभी ये सुसाइड करने ही वाली है। मार्टिन भी फिर इस बात के लिए मान जाता है। आधी रात बीत गई पर फिर भी डायन की डेथ नहीं हुई, तो मिनी कहती है हमें इस प्रोसेस को स्पीड अप करना चाहिए। उसने फिर डायन के कपड़े चेंज के लिए मेकअप लगाया और मार्टिन के साथ मिलकर उसे गाड़ी में और डाल देती है। गाड़ी को ऑन रख कर साइलेंसर को बंद कर दिया, जिससे गैस की वजह से डायन की डेथ हो जाए। ये सब करते हुए मिनी को थोड़ा भी बुरा नहीं लगता। ये बात मार्टिन को बहुत ही अजीब लगी थी। डायन की डेथ हो जाने के बाद ही पुलिस को कॉल करता है। मिनी बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। एक डिटेक्टिव आकर फिर उनसे बात करता है। इसका नाम था ड्वाइट। ड्वाइट ने कहा कि मुझे एक बार कंफर्म करना पड़ेगा कि क्या ये सचमुच में सुसाइड थी क्या कुछ अलग था। इस बात पर मिनी उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। कहती है अभी अभी मेरी मदर की डेथ हुई है और तुम ये सब बातें हमसे कर रहे हो। ड्वाइट फिर मार्टिन से अकेले में बात करता है। मार्टिन और मिनी किस किस टाइम पर कहाँ कहाँ थे, इस सब की डिटेल्स उसने ले लिए। डायन की कार भी एज अ एविडेंस लेकर जाता है। इन सब बातों से मार्टिन बहुत ही ज़्यादा डर गया था। वो मिनी से कहता है कि ड्वाइट को कुछ ना कुछ तो पता है। मिनी कहती कि ज़्यादा वरी मत करो, उसे कुछ भी नहीं पता, वो सिर्फ तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था। डायन की फ्यूनरल के बाद डायन की फ्रेंड्स ही ये मार्टिन पर लाइन मारने लग गए। जेलेना आकर मार्टिन से बात करती है और कहती है अगर तुम्हें कभी भी सहारे की ज़रूरत पड़े तो मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ, मैं 10 मिनट में तुम्हारे घर पर आ जाऊँगी। मार्टिन और मिनी को जल्द से जल्द इन सब से दूर जाना था, तो वैकेशन पर एक जगह पर आ जाते हैं। फाइनली एक कपल की तरह एक दूसरे के साथ ही रह सकते थे।
इन्होंने बहुत एंजॉय किया, पर एक रात अचानक से माइक यहाँ पर आ जाता है। ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब थे तो दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। पर मिनी ने नोटिस किया कि जो लड़की माइक के साथ है वो उसी के साथ काम करती थी, यानी कि वो लड़की भी एक एस्कॉर्ट है। इस सब बातों से मार्टिन डर जाता है, कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, माइक किसी ना किसी को तो बता देगा। मिनी ने कहा कि वो किसी को कुछ भी बताएगा नहीं, अगर उसने बताया तो उसका भी राज हम खोल देंगे, कि वो एस्कॉर्ट को लेकर होटल में था। इस डर की वजह से मार्टिन और मिनी की रिलेशनशिप ज़रा ख़राब होने लग गई थी। एक दिन मिनी से मिलने के लिए डिटेक्टिव आया। वो मिनी से कहता है कि तुम्हारे मदर की रिपोर्ट हमें मिले है। गाड़ी में खुद को बंद करने से पहले उसने कुछ पिल्स ली थी। कोई भी सुसाइड करने वाला आदमी दो बार अटेम्प्ट नहीं करता। उसने फ़ोन रिकॉर्ड भी चेक किए थे। वो कहता है कि 8 बजे किसी ने 911 को कॉल किया था। ये कॉल मार्टिन ने लगाने की कोशिश की थी और बाद में कट कर दिया था। इस वजह से डिरेक्टिव को और भी ज़्यादा शक चला जाता है। डिरेक्टिव को अब मार्टिन से बात करनी थी। आज रात उसे अपने एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट कैंसिल कर डिरेक्टिव से बात करनी पड़ी। उस रात के बारे में उसने बहुत ही डिटेल से क्वेश्चन पूछे कि किस टाइम पर वो कहाँ कहाँ थे, उन्हें घर आने के लिए कितना टाइम लगा, मूवी में कितना टाइम थे, पर इन सब के आंसर उन्होंने ऑलरेडी रेडी करके रखे थे। मार्टिन ड्वाइट से कहता है कि अगर तुम्हें फिर से कुछ क्वेश्चन पूछने होंगे तो मेरे लॉयर से बात करना। मार्टिन मिनी से कहता है कि तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हारी वजह से उसे हम पर शक चला गया। इस बात की वजह से इन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। गुस्सा होकर मिनी रात में एक क्लब में चली गई। मार्टिन ने उसका पीछा किया तो किसी और आदमी के साथ वो डांस कर रही थी। सुबह वो बहुत ही लेट घर पर आई तो मार्टिन कहता है तुम रात भर कहाँ थी। मिनी कहती कि एक ही टाइम पर, तुम मेरे फादर और बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश मत करो। मार्टिन कहता है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, तुम कहाँ वर हो, क्या कर रही हो, इसे लेकर मैं वरी करता हूँ। रिलेशनशिप में यह सब चीज़ें एकदम नॉर्मल है, क्या कभी भी तुम पहले रिलेशनशिप में थी नहीं। मिनी कहती कि मेरी फर्स्ट रिलेशनशिप है, इसी वजह से इस मूवी का नाम मिनीज फर्स्ट टाइम है। मार्टिन जब ऑफिस पर आया तो मिनी और वो किस कर रहा था इसकी एक फ़ोटो उसे मिल जाती है। इसका एड्रेस उसने ट्रेस किया तो उसे पता चलता है कि माइक के ऑफिस से उसे इन्वोलोप मिला था। वो पहले माइक पर शक कर रहा था तो इस बात पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जब मार्टिन ऑफिस में वापस आता है तो उसके बॉस ने उसे बुलाया हुआ था। वो कहते हैं कि हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट तुम्हारी वजह से चला गया और उन्होंने उसे फायर कर दिया। इस कंपनी को खड़ा करने के पीछे मार्टिन का बहुत बड़ा हाथ था तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था। इस सब के बारे में वो रात में मिनी से बात करता है। अब वो गुस्से में मार्टिन को कन्फ्रंट करने वाला था पर मिनी कहती है कि ऑलरेडी पुलिस हम पर शक कर रहे हैं, अगर तुम ऐसा कुछ करते हो तो हमें और जेल में डाल देंगे। अभी तो तुमने सिर्फ अपना जॉब खोया, इसके बाद तुम सब कुछ खो सकते हो। अगले दिन मिनी जाकर माइक से बात करती है। उसने कहा कि मार्टिन को एक इन्वोल्व मिला था जिसमें मैं और मार्टिन हम दोनों बहुत ही करीब थे, क्या इसके बारे में तुम्हें कुछ पता है। माइक कहता है कि मुझे इसके बारे में कैसे आइडिया होगा, वैसे तुम दोनों के बीच में जो भी है एक्सेप्टेबल है। इसके बाद ये दोनों बात करने लग गए। माइक मिनी को पियानो सिखाता है, अलग अलग चीज़ें करते हुए एक दूसरे के साथ ये हैंग आउट करते हैं। मिनी ने माइक से कहा कि मुझे तुम्हारा शो बहुत ही पसंद है। माइक ने कहा कि अगर तुम उस शो पर आना चाहते हो तो मैं कुछ ना कुछ तो कर ही सकता हूँ। मिनी इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। अगले दिन जब वो स्कूल में आए तो उसकी प्रिंसिपल उसे बुलाती है। प्रिंसिपल के पास डिटेक्टिव था, उन्होंने उसे एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई जिससे साफ साफ पता चलता है मिनी स्कूल के फार्मेसी से कुछ मेडिसिन चुरा रही थी। ये कन्फर्म करने के बाद मिनी रोने लगती है, कहती है मेरे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं था, मेरी मदर ने मुझे लाने के लिए कहे थे, वो मुझे ब्लैकमेल करती थी वरना वो मुझे कनाडा में भेज देती। उसकी बात पर प्रिंसिपल तो बिलीव कर लेती है पर डिटेक्टिव इस बात को नहीं मानता। इसके बाद डिटेक्टिव ने दोनों को डायरेक्टली पुलिस स्टेशन में बुलाया। पहले वो मार्टिन से बात करता है, उसने कहा कि डायन की डेथ ये गाड़ी में ही हुई थी, पर जितना पेट्रोल लगना चाहिए था उतना लगा नहीं था, इसका मतलब है तुमने हमसे झूठ कहा है। डिटेक्टिव कहता है कि मैं प्रूव कर दूंगा कि तुम इसमें इन्वॉल्व थे, अब तुम्हारे पास एक चॉइस है, अगर तुम कहते हो कि सारा प्लान मिनी का था तो तुम्हें हम छोड़ देंगे। यही ऑपोजिट बात उसने मिनी से भी कही। वो मिनी से कहता है कि अगर तुम मार्टिन को फ्रेम करने के लिए रेडी हो तो हम लोग तुम्हें छोड़ देंगे। मिनी इसके लिए साफ साफ मना कर देती है, मार्टिन ने भी इसे मना कर दिया था। रात में मिनी और मार्टिन फिर माइक का शो देखने लग गए। इस पर आज मिनी भी आई हुई थी। शो पर एक कपल आया हुआ था जिसके आदमी के साथ मिनी डेट पर गई थी। इस बात से उन कपल में झगड़ा हो जाता है। मिनी उस आदमी के साथ इंटीमेट भी हुई थी। इस बात से मार्टिन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो माइक पर भी गुस्सा हो गया था। तभी घर पर मार्टिन और मिनी की और एक फ़ोटो उसे आ जाती है। वो अब अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता, डायरेक्टली माइक के घर पर पहुंच गया, उसे वो मारने लग जाता है। पैरेलल में मिनी ने पुलिस को कॉल कर दिया।
मार्टिन माइक को मारने वाला था तभी पुलिस वहां पर पहुंच जाते और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। पुलिस को लगा कि डायन का मर्डर मार्टिन ने किया है तो उसे एक बड़ी जेल हो जाती है। जेल में मिनी उसे मिलने के लिए आई। मार्टिन कहता है कि वो फोटोग्राफ अभी माइक के पास है, अगर तुम चाहो तो माइक को हमारे रास्ते से हम हटा सकते हैं। मिनी कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बुद्धू हो, वो सब फोटो मैंने ही तुम्हें भेजी थी, जो भी सब कुछ हुआ ये पहले से मेरा ही प्लान था। मार्टिन बेचारा हमेशा के लिए जेल में फंस जाता है। मिनी लास्ट में हमसे कहती है कि ये भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, उसे अलग अलग चीज़ें ट्राई करने में मज़ा आता था तो ये भी ट्राई करने में उसे बहुत ही मज़ा आया। इसे एक ट्विस्ट एंडिंग के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दोनों मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।